लोग यहाँ पर ब्लॉक डाला करते थे, ब्लॉक से बहुत दिक्कतें तकलीफें होती है, लोगों की शिकायत थी। तो डेढ़ दो साल पहले हमने ब्लॉक का काम पास किए थे, लेकिन हमने उस चीज़ को कैंसिल किया कि लोगों का डिमांड था यहाँ पर एसफॉल्ट रोड रखे। एसफॉल्ट के लिए हम पुटअप किए थे, लेकिन दिक्कत ये है कि मशीनरीज जो आने में तकलीफ होती है एसफॉल्ट में, इसलिए कॉन्क्रीट का जो है रोड हमने पास किया। पिछले 3 साल से इसके प्रपोजल हमने पुटअप किया, और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के रोड डिपार्टमेंट है, वहाँ एक प्लान होता है, जैसा 5 ईयर प्लान होता है, 3 ईयर्स प्लान रहते हैं, यानी आज अपन पुटअप प्रपोजल पुटअप करो, उसको फॉलोअप करो, तो 2 साल के बाद जो है वो उसके एक लॉट्स आते हैं, जैसे लॉट 11, लॉट 12। तो ये पिछले बार हमने पास किया, फिर कैंसिल करके फिर इसको जो है एसफॉल्ट किया, लेकिन आखिरत जो है ये यहाँ पर कॉन्क्रीट रोड पास किया है। शुरू में मैंने प्रपोजल पुटअप किया था, उसके बाद मेरी पत्नी मेहर भूषण हैदर ने जो है इसको फॉलोअप किया, और कंटिन्यूस फॉलोअप के बाद आज जाके इसका वर्क ऑर्डर मिला है। कुछ ट्रैफिक वगैरह की एनओसी की ज़रूरत थी, वो तमाम चीज़ें मुकम्मल हो गई और आज से काम शुरू हो जाएगा, लेबर आएंगे आज से शुरू होगा। कब तक पूरा होने वाला है और किस तरह से ये इसका सुंदरीकरण होने वाला? वैसे इनका 2 साल का लिमिट होता है, लेकिन ये 4-5 महीने में 6 महीने में कम्प्लीट करेंगे। इसके साथ साथ गॉर्डन की दूसरी गलियाँ हैं, वो तमाम गलियों का भी हमने काम आज शुरू करेंगे। यानी आने वाले 3-4 महीने में अंधेरी गॉर्डन का जो है फेसलिफ्ट होगा, गॉर्डन और बेहतर होगा, लोगों को चलने फिरने में जो दिक्कतें नहीं होगी और परेशानियां दूर होगी, इसकी हमारी कोशिश रहेगी और ये हम शुरू करेंगे काम। गॉर्डन के अलावा और कौन कौन से इलाका है, कौन कौन सी गलियाँ है जिसका काम होने वाला है? वो तो पूरे हल्के का काम है, रोड का काम, जैसे हमने पिछले टाइम अशफाकुल्ला खान रोड का इनोग्रेशन किया है, अभी टीपू सुल्तान रोड का काम बाकी है, उसका इनोग्रेशन करेंगे, उसका भी काम करेंगे, और दिगर जो है गलियों का काम, ये सब शुरू किया। फेयर सीजन है कॉरपोरेशन का, बारिश से पहले जितना काम हो सकता बाहर का काम को मुकम्मल कर रहे हैं। दूसरी चीज़, आज हमने यहाँ के लोगों से मशवरा लिया है कि ब्यूटिफिकेशन के लिए क्या करना चाहिए, एरिया को खूबसूरत दिखने के लिए क्या करना चाहिए, उसका भी मशवरा लोगों से लेने के बाद वो भी हम लोग उस काम को भी मुकम्मल करेंगे। इसके अलावा आखिर चीज़ करना चाहेंगे मोहसिन भाई, इस जगह को लेकर राजनीति भी हुई थी, कई बैनर पोस्टर्स भी लगाए गए थे, क्या कहना चाहेंगे उसके? देखिए, मैं समझता हूँ इतने लॉ, मतलब जो है पॉलिटिकल पॉलिटिक्स में इतना लॉ नहीं करना चाहिए, कोई इतना गिरना नहीं चाहिए। जब एमएलए आदमी बनता है, एमपी बनता है, तो उनके लिए अपना एक प्लेटफॉर्म होता है। एमएलए का काम म्हाडा के थ्रू होता है, एमपी का म्हाडा के थ्रू होता है, सेंट्रल एजेंसी का फंड होता है, स्टेट गवर्नमेंट का होता है, कॉरपोरेशन का जो है नगर सेवक को चुनकर इसलिए भेजा जाता है कि कॉरपोरेशन में वो अपनी आवाज़ उठाए, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का फंड यूटिलाइज करे, वहाँ प्रपोजल पुटअप करे। अब एमपी और एमएलए आदमी भी कॉरपोरेटर होगा, काम के अंदर हस्तक्षेप करे, वो उस पर जो है आने वाले, उनको पता है कि भाई 15-20 दिन, महीना, 2 महीने में काम होने वाला है, उसे 2 महीने पहले लाके पोस्टर लगा देवे, और पता भी नहीं कि भाई एसफॉल्ट रोड है कि कॉन्क्रीट रोड है, पोस्टर लगा तो एसफॉल्ट रोड का जबकि पास हुआ कॉन्क्रीट रोड। तो ये तमाम चीज़ों से बाज आने चाहिए, ये अच्छी चीज़ नहीं है। किसी भी सियासी पार्टी के लोग हो, एक प्रोटोकॉल मेंटेन करना चाहिए, डेकोरम मेंटेन करना चाहिए, एक दूसरे के कामों में हस्तक्षेप नहीं करनी चाहिए। अब एमएलए एमपी को लोग बना के बेचते, फिर कॉर्पोरेटर का ही जाकर इनको काम करना है, तो फिर वो कॉर्पोरेटर ही बने रहे, असेंबली इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहिए, कॉरपोरेशन में काम करा के लिए जो म्हाडा और म्हाडा में जाके अपने काम करा है, सेंट्रल एजेंसी के फंड से काम, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड से काम करा है, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड से काम करा है, स्टेट गवर्नमेंट के फंड काम करा है, उनका जो प्लेटफॉर्म वहाँ वो जाए, हम लोग हस्तक्षेप नहीं करते, म्हाडा के कामों में इंटरफेयर नहीं करते जाके, क्योंकि हमको पता है कि हमारा कोई रोल नहीं वहाँ पर, आमदार और खासदार का रोल होता है, लेकिन कॉरपोरेशन के कामों में ये लोग इस तरह का हरकत करे ये ठीक नहीं है, किसी भी पार्टी का हो। हमने पहले भी हमारे खुद के पार्टी के जो एमएलए एमपी के विरोध में भी हम लोग खड़े हुए, तो अब जो है इनको इस तरह चीज़ों को शोभा नहीं देता, खुद की पार्टी का इनका हो, अपनी बात रखे, वो अपने या जोग जैसा करें, लेकिन हमारे हस्ते अपने करें, ये मेरी रिक्वेस्ट तमाम।